पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां का 17वीं शताब्दी में बनवाया दिल्ली का लाल किला अब डालमिया भारत ग्रुप ने 5 साल के लिए 25 करोड़ रुपए में गोद ले लिया है। डालमिया की कंपनी 23 मई से अपना काम शुरू करने जा रही है, लेकिन लाल किले पर सियासी जंग शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए उसकी नीयत पर सवाल उठाया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है कि इस ऐतिहासिक स्थल को किसी निजी हाथों में कैसे सौंप दिया गया है, सरकार की क्या मजबूरी थी। कांग्रेस केंद्र सरकार ने ऐसा अडॉप्ट हेरिटेज परियोजना के तहत किया है। हालांकि सरकार के इस फैसले की कांग्रेस ने जमकर आलोचना की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे देश की ऐतिहासिक धरोहर को एक निजी कंपनी को सौंपना पड़ा। इसी के साथ माकपा ने भी बयान जारी कर केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने को कहा है। माकपा का कहना है कि डालमिया समूह अपने प्रचार के लिए धरोहर का इस्तेमाल करेगा। सरकार को याद होना चाहिए कि संसदीय समिति ने भी इसके विरुद्ध फैसला दिया था। रखरखाव का काम देखेगी विपक्ष के ऐतराज पर पर्यटन मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि इस ऐतिहासिक धरोहर में डालमिया समूह का दखल सीमित होगा। वह मुख्य स्थल से अलग रखरखाव का काम देखेगा। डालमिया भारत समूह ने पिछले दिनों पर्यटन मंत्रालय के साथ एक एमओयू पर दस्तखत किए। इसके तहत कंपनी 5 साल तक लाल किले का रखरखाव करेगी और मूलभूत जरूरतों की व्यवस्था करेगी। ये काम करेगी कंपनी 6 महीने के अंदर ही लाल किले में पीने के पानी के बूथ, स्ट्रीट फर्नीचर जैसे कुर्सियां लगेंगी, पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक साइनेज लगाएगी, 1 साल में टैक्टाइल मैप स्पर्शनीय नक्शे लगाएगी, शौचालयों को बेहतर बनाएगी, रास्तों पर लैंप पोस्ट और रास्ते बंद करने के लिए बोलार्ड लगाएगी, दिव्यांगों के लिहाज से किले में फ्लोरिंग होगी, किले के परिसर में 1000 फुट का आगंतुक सुविधा केंद्र भी बनाया जाएगा, किले के अंदर और बाहर की 3D प्रोजेक्शन मैपिंग होगी, बैटरी चालित वाहन भी होंगे, परिसर में एक कैफेटेरिया होगा। मुनाफा नहीं कमाएगी कंपनी, केंद्र कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के आरोपों का जवाब देते हुए पर्यटन राज्य मंत्री KJ अल्फोंस ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए काम करने वाली कंपनी मुनाफा नहीं कमाएंगी, वह अपना धन लगाएंगी, बदले में वह स्मारक के बाहर यह बोर्ड लगा सकती हैं कि उन्होंने इसे विकसित किया है, इसमें हर्ज नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा, उन लोगों ने पिछले 70 सालों में इन स्मारकों का कितना विकास किया? कुछ भी नहीं, बल्कि बहुत से स्मारक बदहाली की कगार पर हैं। 95 स्मारक टूरिस्ट फ्रेंडली बनेंगे। सरकार ने पर्यटन मंत्रालय और ASI की भागीदारी वाली कमेटी की मदद से मार्च में 31 स्मारक मित्र चुने हैं। यह स्मारक मित्र लाल किला, कुतुब मीनार दिल्ली, हम्पी कर्नाटक, सूर्य मंदिर ओडिशा, अजंता गुफा महाराष्ट्र, 4 मीनार तेलंगाना और काजीरंगा नेशनल पार्क असम समेत 95 ऐतिहासिक धरोहरों को टूरिस्ट फ्रेंड